पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स में क्या करेंगे आप? पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स में दो तरह के मॉलिक्यूल्स पॉसिबल हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर, ठीक है। और लीनियर गैस मॉलिक्यूल का मतलब इस तरह का कुछ मॉलिक्यूल है जैसे कि CO2 का होता है आपके लीनियर मॉलिक्यूल्स। ये तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की तरह इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा अगर लीनियर होगा, ठीक है ना। अगर लीनियर होगा तो जैसे डायटोमिक में नहीं हो जाता वैसे ही इस एक्सिस के अबाउट तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, तो इसलिए फिर ट्रांसलेटरेट 3 हो जाएगी और रोटेशनल इसकी भी कितनी रहेगी 2 रहेगी। तो इसलिए CO2 जैसे लीनियर मॉलिक्यूल्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही रहेगी, पॉली एटॉमिक होते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए इनका यूज रेयर है। 3 और 5 तो आपको याद रखनी रखनी है, मोनो एटॉमिक की 3 और डायटॉमिक की 5। कभी कोई पूछ ले तो H2 में क्या लीनियर नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आपके तीनों मोड मोड आएंगे। इस एक्सिस के अबाउट भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 नहीं होगा क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है। तो 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल टोटल 6 बोले जाएंगे, ठीक है ना। अगर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ गई कुछ, ठीक है ना, मोड डिफाइन नहीं हो सकते, खुद बताएगा आपको कितने वाइब्रेशनल मोड कंसीडर कर रहा हूँ। तो एक वाइब्रेशनल मोड का मतलब कितना है? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये याद रखेंगे। 1 वाइब्रेशनल मोड इम्प्लाइज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। 1 वाइब्रेशनल मोड इज इम्प्लाइंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो इसलिए कितना हो जाएगा? 6 + x हो जाएगा। ये लॉ देखो बेटा, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये आपको देखो ध्यान रखना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको समझ में आ गई किस गैस में कितनी होगी, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, पॉली एटॉमिक। अब लॉ क्या कह रहा है कि टोटल एनर्जी ऑफ गैस, वहां से वो निकल के आएगा, यहाँ से NCV × T हम लिखते हैं, वो इस बेसिक लॉ से निकल के आया। अब ये लॉ कैसे आया ये पता नहीं कैसे आया, ठीक है। कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए थे कभी, जब जाके उनको ये पता पड़ा कि टोटल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल ऑफ इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू 1/2 KBT। यहाँ पर KB बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट पता ही है आपको, R/N। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है 1/2 KBT, ठीक है। और मॉलिक्यूल की जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उसमें से हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी है। तो मान लो एन डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी हो जाएगी? N/2 × KB × T, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं कि एनर्जी सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। टोटल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ध्यान होना चाहिए बेटा, याद रहना चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। मेंस में टिक विक करवा सकता है कि स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में कुछ भी लिख देता है वो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल ऑफ इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू 1/2 KBT, ठीक है। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए गैस मॉलिक्यूल की अगर मैं एनर्जी लिखना चाहूँ, फॉर ए गैस मॉलिक्यूल जिसके पास एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? आप एफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, F/2 KBT, ठीक है। और अगर आपके पास एन मोल्स हैं गैस के, तो एन मोल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? N × Na × F/2 KBT। तो ये आ गया N × Na F/2 KB की जगह R/Na कर दिया × टेम्परेचर, ठीक है। तो ये कितना आ गया? Na कट गया, तो ये आपका फार्मूला आ गया इंटरनल एनर्जी का। वैसे तो लिखते हो आप मोनो एटॉमिक की 3 होती है, आप लिखते नहीं हो NCV × T, वही तो लिखा हुआ है N × 3 R/2 × T, ठीक है। डायटोमिक की कितनी बोलते हो? 5 R/2 बोलते हो CV, तो वही लिखा हुआ है N × 5 R/2 × T। तो जनरल ये आपको ये भी याद रखना है बिल्कुल, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जहां पर हमने मान ही लिया था कि 0 केल्विन पर 0 है, ठीक
ठीक है ना, जीरो केल्विन पर जीरो ऑलरेडी मान ली गई है, तो इंटरनल एनर्जी गैस एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल टी पर डायरेक्टली लिखी जा सकती है F/2 nRT, ठीक है। और चेंज तो आप लिखते ही हो, NCVdT वो तो वैसे ही रखेंगे, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म में भी आप इंटरनल एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन क्या है, F/2 nRT है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा सबको? बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो एक चीज और आती है कि ये रिलेशन आपको याद रखना है, गामा इक्वल टू 1+2/f, ठीक है, ये कभी नहीं भूलना है आपको। जैसे आपने याद रखा, लिख लो, लिखते जाओ, इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख लो F/2 nRT। तो किसी भी गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कभी जनरल कोई दे दे, तो आप इंटरनल एनर्जी लिख सकते हैं उसकी F/2 nRT, ठीक है। दिस इज द फार्मूला फॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसे ही गामा और एफ में भी रिलेशन आता है। मैंने कुछ ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं किया, मैंने जो आपको पहले से पता था उन चीज़ों को यूज़ कर लिया है। ये आपका जो F/2 nRT होता है, और दूसरा आपको इंटरनल एनर्जी पता ही था NCV×T, वो तो हमने फर्स्ट लॉ से निकाली थी ना, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वही हर प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। तो NCVT वहाँ निकाली थी हमने फर्स्ट लॉ से, और अभी आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम में देख लिया UA होती है F/2 nRT। तो मैं एक CV का भी जनरल एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ कि किसी भी गैस के FR/2, ये CV होता है। इसलिए आप बोलते हो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है आपकी मोनो एटॉमिक की, 3 है, तो मोनो एटॉमिक का CV कितना होता है, 3R/2, ठीक है। और जो डायटॉमिक गैस है उसका कितना होगा, FR/2, 5R/2 मतलब, ठीक है। तो एक तो CV होता है, तो इससे CP निकाल लिया और गामा निकाल लिया, तो CP/CV। रखना है गामा इक्वल टू 1+2/f, डायटॉमिक का कितना होता है, F को 5 डाल दो, 1.4 होता है, ठीक है। तो इस तरह से कि रिलेशन और इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्या इम्पोर्टेंट था आपसे, डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3 और 5 नंबर बताना चाहिए आपको। डिग्री ऑफ फ्रीडम का 3 का मतलब ट्रांसलेशनल मोड, 2 वो रोटेशनल मोड, हाई टेम्परेचर होगा तो डायटोमिक में भी 2 और ऐड हो जाएंगे, 7 हो जाएगी डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम। पॉली एटोमिक में आपको गिवेन होगी, कोई याद वाद नहीं रखना है, आप देगा हो, ठीक है। और उसके बाद आपने याद किया इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिग्री, ठीक है ना, वो कितना आया आपका, F/2 nRT आया इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन। क्योंकि आपने कहाँ से निकाली वो इंटरनल एनर्जी, एक लॉ से निकाली, वो लॉ क्या कहलाता है, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरेस्पॉन्डिंग 1/2 kBT एनर्जी है, ठीक है ना। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरेस्पॉन्डिंग 1/2 kBT एनर्जी है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है, तो उसके पास F/2 kBT हो जाएगी। यही करा अपन ने भी, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी स्मॉल एफ है मॉलिक्यूल की, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल की एनर्जी है, तो एन मोल्स की कितनी हो जाएगी, एन को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, बोल्ट्जमैन को R/NA, तो ये एक्सप्रेशन आ गया इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस एट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल टी, F/2 nRT, ठीक है। फिर इससे आपने CV भी देख सकते हैं, तो इससे याद कर लो CV का जनरल एक्सप्रेशन क्या है, CV का FR/2 है, तो इससे CP आएगा, तो CP/CV करोगे गामा आएगा, तो आएगा वो याद रखना है गामा इक्वल टू, लिख लो 1+2/f होता है। अगर f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो गामा को क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट बोलते हैं गैस का, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में आता है PV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो गामा एडियाबेटिक एक्सपोनेंट ऑफ गैस कहलाता है। तो इसका कितना होगा, 1+2/f, ठीक है।